राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। पिछले वीडियो में हमने महिषासुर, भैंसा तथा माता पार्वती का वाहन शेर को बनाना सीखा था। तो अगर आपने इस वीडियो का पार्ट वन नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप वहां से जाकर चेक कर लीजिएगा। और आज के इस वीडियो में हम दुर्गा माता को बनाना सीखेंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप वीडियो में देख रहे होंगे कि महिषासुर के जस्ट पीछे मैंने एक लंबा सा लकड़ी लगाया है। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको पार्ट वन में बनाना सिखाया है, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट वन जरूर देख लीजिएगा। सबसे पहले हमने दो मोटा मोटा कॉइल बना लिया है मिट्टी का, और दोनों कॉइल को लकड़ी के ऊपर जोड़ देंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से। दोनों पैर को आपस में जोड़ने के बाद मैंने कुछ देर के लिए उसे सूखने के लिए छोड़ दिया था। कुछ देर क्या, मैंने लगभग एक दिन के लिए छोड़ा था। आप सबसे भी यही गुजारिश है कि जब मूर्ति के पैर को लगाएं तो उसे सूखने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ें, उसके बाद ही आप उस पर आगे का प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। नहीं तो अगर आप गीली मिट्टी पर ही कार्य करना शुरू कर देंगे तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब टूटने का डर रहेगा स्ट्रक्चर को। सूखने के बाद आप देख सकते हो कहीं कहीं क्रैक्स आया है, तो उसी को भरने के लिए मैं यहाँ पे गीली मिट्टी का यूज कर रहा हूँ। और आप देख सकते हो कि मैंने कहीं कहीं गीली मिट्टी को ऐड भी किया है, तो आप ध्यान से देखिए मैंने कहां कहां गीली मिट्टी ऐड किया है, कहां कहां मैंने पार्ट्स मोटा किया है, कहां कहां पतला किया है, आप ध्यान से देखिए। दुर्गा माता के पैर को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बना लिया है। अब चलिए पैर के ऊपरी बॉडी पार्ट्स को बनाते हैं। सबसे पहले मैंने पैर के ऊपर ढेर सारा मिट्टी रखा और कोशिश किया कि उसे रेक्टेंगल शेप के फॉर्म में ला सकूं। ठीक आपको भी ऐसे ही करना है, धीरे धीरे आप बॉडी के शेप को एनालाइज कीजिए और ठीक उसी प्रकार आप उसे बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको बॉडी पार्ट्स बनाने में दिक्कत हो रहा है तो आप देखिए कि कौन सा बॉडी पार्ट्स किस फॉर्म में है, किस शेप में है, किस ऑब्जेक्ट की तरह दिखता है, ठीक वैसे ही बनाने की कोशिश करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। मैंने इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से आपको दुर्गा माता को बनाना सिखाया है, आप ध्यान से देखिए वीडियो को। जहां जहां डाउट होगा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए हमने कितने आसान तरीके से दुर्गा माता के बॉडी को बना लिया है। अब चलिए उनके हाथ को बनाना सीखते हैं। तो लगभग 10 हाथ बनाएंगे हम, तो मैंने इस वीडियो में आपको एक हाथ बनाना सिखाया है, बाकी के 9 हाथ मैंने ऑफ कैमरा बनाया है। अगर 9 हाथ बनाने चला तो बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने आपको एक हाथ बनाना सिखाया है। एक हाथ काफी है आपको एक आइडिया देने के लिए कि हाथ को कैसे बनाना है। एक सुंदर सा हाथ बनाने के लिए आपको सिंपली एक छोटा छोटा कॉइल तैयार करना है मिट्टी का। मिट्टी का पतला पतला कॉइल तैयार कीजिए, उसके बाद एक दूसरे को आपस में रखकर, कुछ छोटा होगा कुछ बड़ा होगा, आप अपने हाथ को फॉलो कीजिए, आप समझ जाओगे कौन सा हाथ बड़ा रखना है कौन सा हाथ छोटा रखना है। सबसे पहले आपको 4 उंगलियों को आपस में जोड़ना है, इसके बाद थोड़ा मिट्टी ऐड करना है नीचे, और उसके बाद आपको थंब ऐड कर देना है, बस आपका हाथ बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपको एक बड़ा सा कॉइल तैयार करना है मिट्टी का और उसमें ही हाथ को फिट कर देना है, आपका पूरा हाथ बनकर रेडी हो जाएगा। देखिए बहुत आसान तरीके से हमने बना लिया है हाथ को। इसी टेक्निक को फॉलो करते हुए हमने लगभग 10 हाथ तैयार कर लिया है दुर्गा माता का, आप देख सकते हो। अब आता है दुर्गा मूर्ति बनाने का सबसे टफेस्ट पार्ट। मेरे लिए तो सबसे ज्यादा हार्ड पार्ट यही है, माता का हाथ लगाना, क्योंकि यार 10 हाथ रहता है और लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा मेरे साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है कि अगर मैंने हाथ लगाया है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हाथ टूटे ना। मुझे लगता है कि चलो मैंने हाथ लगा दिया है, लेकिन नहीं, बाद में हाथ गिर ही जाता है मेरे से। और इस दुर्गा मूर्ति को बनाते वक्त मैंने 3 हाथ लगभग तोड़ दिया है और मैंने दोबारा बनाया है ऑफ कैमरा। मैं आप सभी को यही रिकमेंड करूंगा, अगर आप दुर्गा मूर्ति बनाए तो जब हाथ लगाने की बारी आए तो आप ध्यान से लगाएं यार, काफी इरिटेटिंग हो जाता है कि अगर आपने मेहनत की बाद में टूट जाए, इसका कोई गम नहीं, ठीक है गलतियां होंगी तभी हम सीखेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो जाता है बार बार आप उसे बनाओ बार बार लगाओ। तो आप सभी से भी ये रिकमेंड होगा कि आप जब भी हाथ लगाएं तो ध्यान से लगाएं कि हाँ हाथ सही से जम चुका है, तभी आप छोड़े, या फिर उसे कुछ सपोर्ट देने के लिए आप लकड़ी उकड़ी का भी यूज कर सकते हो। इतना सब कुछ कर लेने के बाद अब चलिए हम माता दुर्गा के चेहरे को बना लेते हैं। तो आप ध्यान से देखिए मैंने कहाँ कहाँ मिट्टी ऐड किया है, कहाँ कहाँ से मिट्टी को निकाला है और किस जगह जोड़ा है, आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को।
तो ये रहा दुर्गा मूर्ति के चेहरे का फाइनल लुक। अब चलिए हम महिषासुर का फेस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आप वीडियो में ध्यान से देखिए, मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया है आपको। अगर कहीं डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं बता दूंगा। देखिए, हमने बहुत ही आसान तरीके से महिषासुर के फेस को बना लिया है। अब उसे महिषासुर के गर्दन में जॉइंट कर देंगे। सबसे पहले गीली मिट्टी को लगाएंगे, उसके बाद महिषासुर के फेस को लगा देंगे और ब्रश की मदद से उसे क्लीन कर लेंगे। अब चलिए हम शेर के फेस को बनाना सीखते हैं। जिस प्रकार हमने महिषासुर के फेस को ज्वाइंट किया था उसके शरीर में, ठीक उसी प्रकार हमें शेर के भी फेस को ज्वाइंट कर लेना है। और ये रहा मूर्ति का फाइनल लुक। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, राधे राधे।